इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का रिवीजन करेंगे, बेसिक डिफरेंशिएशन, हाउ टू सॉल्व बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का सारा बेसिक फॉर्मूला एंड द बेसिक टेक्निक्स. सो लेट्स गो थ्रू दैट. तो सारा फॉर्मूला देखते हैं एक एक करके. डीडीएक्स ऑफ एक्स इज वन, डीडीएक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डीडीएक्स ऑफ एम एक्स अ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड विद एक्स. तो ये कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है m, वो बस बाहर निकल जाएगा एंड दैट विल बी द रिजल्ट. तो ddx ऑफ mx इज इक्वल टू m, ddx ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज जीरो इफ एनी कॉन्स्टेंट इज देयर बाय इटसेल्फ. किसी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल विल बी जीरो इफ द कॉन्स्टेंट इज देयर बाय इटसेल्फ, अगर वो कॉन्स्टेंट अकेले है. ddx ऑफ sin x, अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है सब. ddx ऑफ sin x इक्वल टू cos x, ddx ऑफ cos x इक्वल टू माइनस sin x, ddx of tan x equal to sec square x, ddx of cot x equal to minus cosec square x, ddx of sec x equal to sec x tan x, ddx of cosec x minus cosec x cot x, ddx of e to the power x is e to the power x, ddx of log of x to the base e. जब हम लोग log x को mention करते हैं तो default base we take is e. So log of x to the base e, जिसको हम लोग ln x या natural logarithm of x भी बोलते हैं. तो ddx ऑफ दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स. रिमेंबर दैट ई इज ऑयलर्स नंबर जिसका वैल्यू इज अप्रोक्सिमेटली 2.7. इट इज एन इरेशनल नंबर दैट इज टेकन एज द डिफॉल्ट बेस फॉर लॉग. उसी को हम ln x या नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x भी बोलते हैं. तो ddx ऑफ log ऑफ x टू द बेस ई और ln x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड ddx ऑफ a टू द पावर x, एनी कॉन्स्टेंट टू द पावर x, a का वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है. That is equal to a to the power x log of a to the base e. अगर फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है वो देखें, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला. सो लेट्स अप्लाई द सेकेंड फॉर्मूला. सपोज वी हैव ddx ऑफ x टू द पावर 4. तो सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकेंड फॉर्मूला में n के जगह पे 4 बैठा देंगे. सो द रिजल्ट विल बी 4x टू द पावर 4 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 4x टू द पावर 3 और 4x क्यूब. नाउ लेट्स रिवाइज चेन रूल. Suppose we have, let's say we have a function of x, fx, and fx के ऊपर एक power है, fx to the power n. Suppose we have a function of x to the power n, any function of x, उसको कैसे differentiate करेंगे. So, इससे similar, कौन सा basic form है differentiation का पहले हमको वो देखना पड़ेगा. तो इससे सिमिलर कौन सा बेसिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन का, इट इज दिस. ddx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1. डिफरेंस ये है कि वहां पे x के ऊपर है द पावर n एंड यहां पे fx के ऊपर. तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस उसी फॉर्मूला को फॉलो करना है. x के जगह पे fx आ जाएगा. तो उस फॉर्मूला में जैसे लिखा हुआ है n x टू द पावर n माइनस 1, हमने लिखा n इंटू एफ एक्स टू द पावर n माइनस 1. अब एक एडिशनल चीज करना होगा, वी हैव टू डिफरेंशिएट एफ एक्स ऑल्सो. हमको एफ एक्स को भी डिफरेंशिएट करना होगा. दैट्स इट. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट से वी हैव ddx ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स. नाउ ddx ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स कैन बी रिटन एज ddx ऑफ sin x whole square, because sin square x is nothing but sin x square. So, ये आप इस expression से match कर रहे हैं. यहाँ पे fx के जगह पे sin x है. तो हम यही form को follow करेंगे, x के जगह पे sin x लिख देंगे. तो 2 into sin x to the power 2 minus 1 and फिर जो function है उसको भी differentiate करना है. तो ddx of sin x. So we have, अब यहाँ पे sin x to the power 2 minus 1, मतलब sin x to the power 1, that is sin x, 2 sin x and ddx of sin x is cos x. Now let's say fx is a polynomial in x. Suppose fx equal to 2x plus 3, let's say. And n जो है power, कोई भी power हम ले सकते हैं, let's say n is equal to minus 2. तो यहाँ पे हो जाएगा ddx of 2x plus 3 to the power minus 2.
So again we apply the same formula, n into the polynomial, yeah, n into the function to the power n minus 1. So n, that is minus 2, into the polynomial, that is the function here, 2x plus 3 to the power minus 2 minus 1 into d dx of the function or polynomial itself, that is d dx of 2x plus 3. अब यहां हमको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा -2 into 2x plus 3 all to the power -2 minus 1 that is -3 into ddx of 2x plus 3. इसमें क्या आएगा, ddx of 2x plus ddx of 3. ddx of 2x is nothing but 2 because ddx of mx is m and ddx of 3 will be 0 because ddx of any constant is 0. तो इससे हमको एक 2 मिलेगा, उस 2 को हम सामने ला करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड ये माइनस टू बन जाएगा माइनस फोर. दैट इज द फाइनल आंसर. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ चेन रूल. सपोज हमको दिया हुआ है ddx ऑफ sin ऑफ cos x. इसको कैसे निकालें, ddx ऑफ sin ऑफ cos x. तो जैसा हमने बोला था, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन हमको करने के लिए उससे सिमिलर जो भी बेसिक फॉर्मूला हम लोग को दिखे सबसे पहले उसको अप्लाई करना. Now, ddx of sin of something यहां पे है. ddx of sin x होता है cos x. तो ddx of sin of cos x होगा cos of cos x. उसके बाद because यहां पे x के जगह cos x है, अगर x होता तो ddx of sin x हो जाता. x के जगह there is some other function of x that is cos x. तो उसको भी हम differentiate करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी हैव कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू नॉट डीडीएक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ कॉस एक्स. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माई चैनल. दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू ऑल दो स्टूडेंट्स looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. Now let's revise product rule. So product rule kis liye use hota hai? Product rule is used for differentiating the product of any two functions or more. So ek cheez pehle yahan pe clear karna zaruri hai, that ddx of e to the power x tan x is not equal to ddx of e to the power x into ddx of tan x. This is not true. Ye misconception kafi students pe rehta hai. Ddx of a product of two or more functions is not equal to the product of the differentiation of individual functions. मतलब कि अगर हमको दो से ज्यादा या दो या दो से ज्यादा functions का product का differentiation निकालने बोला है, तो एक एक function को differentiate करके उसको product कर देने से नहीं होगा. So यहां पे we have a special formula for this. We take the first function as u, the second function as v. किसी को भी u या v ले सकते हैं. And then the formula is u into ddx of v plus v into ddx of u. So first function into ddx of second function plus second function into ddx of first function. So here we have e to the power x into ddx of tan x plus tan x into ddx of e to the power x. ddx of tan x is sec square x. So e to the power x into sec square x plus tan x into e to the power x, that is e to the power x taking common, bracket ke andar tan x plus sec square x. Let's revise quotient rule. So quotient rule mein kya hota hai, when there are two functions in a ratio, then the quotient of the two functions, जैसे यहां पे x by log x has been taken as an example, the quotient of the two functions can be differentiated using quotient rule. और वो कैसे होगा,
लेट्स से कि हम न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसको ले लेते हैं एज यू, एंड डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको ले लेते हैं एज वी. देन द फॉर्मूला इज वी इंटू डी डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी डी एक्स ऑफ वी बाई वी स्क्वेयर. दैट मीन्स डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वेयर. सो यहां पे अगर उसी फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो वी हैव लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वेयर दैट इज लॉग एक्स स्क्वेयर. नाउ लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज वन, सो दिस बिकम्स लॉग एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मतलब वन बाई एक्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला डिवाइडेड बाई लॉग एक्स स्क्वेयर. जैसा कि मैंने बोला था अगर लॉग एक्स हम देख रहे हैं कि कोई बेस लॉग एक्स में नहीं दिया हुआ है देन द डिफॉल्ट बेस इज ऑलवेज ई. सो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई वन बाई एक्स, उस फॉर्मूला को यहां पर हम यूज किए. सो अल्टीमेटली वी गेट लॉग एक्स माइनस दिस गेट्स कैंसल्ड आउट लॉग एक्स माइनस वन बाय लॉग एक्स स्क्वेयर. For example, ddx of x square. अब देखो ddx of nx to the power, ddx of x to the power n का फॉर्मूला क्या था? N x to the power n minus one, right? ddx of x to the power n का फॉर्मूला n x to the power n minus one. यहाँ पे n की जगह कौन है? Two. यहाँ पे n की जगह कौन है? Two. So 2x to the power 2 minus 1, 2x to the power 2 minus 1, that is 2x to the power 1, that is nothing but 2x. इसको लर्न करना पड़ेगा, ये बार बार निकालने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. उसके बाद सिमिलरली ddx of x cube 3x to the power 3 minus 2, sorry 3 minus 1, that is 3x squared. ddx of x to the power 4 4x to the power 4 minus 1, that is 4x cube. That's all. पहला दो तीन तो पूरा लर्न रखना चाहिए, डायरेक्टली इसको अप्लाई करना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट ddx ऑफ 2x, ये भी रेडीमेड लर्न रखना चाहिए, बहुत काम आता है. राइट, सो ddx ऑफ 2x, 2x का मतलब होता है x to the power half. फॉलो दैट फॉर्मूला nx to the power n minus 1, that is half x to the power half minus 1. That is equal to half x to the power minus half. That is equal to half into 1 by x to the power half. Now x to the power half is nothing but root x. So 1 by 2 into 1 by root x, that is 1 by 2 root x. So yaad rakhna hai. Ek aur result jo kaam aata hai, that is ddx of 1 by x. ddx of 1 by x. So that means ddx of x to the power minus 1. Again, ddx of x to the power n equal to n x to the power n minus 1. So, ये हो जाएगा minus 1 x to the power minus 1 minus 1. That is minus 1 into x to the power minus 2. That is minus 1 into 1 by x square. That is minus 1 by x square. चलो कुछ कुछ practice करते हैं. x to the power 9. So ddx of x to the power 9 would be 9 x to the power 9 minus 1. That is 9 x to the power 8. X to the power minus 3. ddx of x to the power minus 3, that would be minus 3 into x to the power minus 3 minus 1. That is minus 3 into x to the power minus 4. That is minus 3 into 1 by x to the power 4. That is minus 3 by x to the power 4. dx of x root x. That is x to the power 1 into x to the power half. Iska matlab ho jayega x to the power 1 plus half. That is nothing but dx of x to the power 3 by 2.
लैंडा में उसको ऐसे प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद अप्लाई dx of x to the power n formula nx to the power n minus 1, so this becomes 3 by 2 x to the power 3 by 2 minus 1, that is 3 by 2 x to the power half, it's about the 3 root x by 2. Ddx of cube root of x, that is ddx of x to the power 1 by 3, iska matlab 1 by 3 x to the power 1 by 3 minus 1, that is 1 by 3 x to the power minus 2. ddx of 9 into 2 to the power x, 9 into 2 to the power x, क्या होगा पहले कोई कॉन्स्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है या एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है तो सबसे पहले उसको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस बिकम्स नाइन इंटू डी डी एक्स ऑफ टू टू द पावर एक्स dx of a to the power x का फॉर्मूला क्या था, a to the power x log of a to the base e, so ddx of a to the power x log of a to the base e, so ddx of 2 to the power x 9 into 2 to the power x log of 2 to the base e, this is the answer. ddx of x cube plus e to the power x, e को बोलते हैं ऑयलर्स नंबर, e का नाम है ऑयलर्स नंबर। इरेशनल नंबर है, दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, मतलब खत्म भी नहीं होगा और उसमें बार बार अलग अलग डिजिट आता रहेगा। Approximate value of 2.7. तो ये अलग अलग होगा, आप एक एक स्टेप नोट डाउन करो इसमें। फॉर्मूला से होगा 3 टू द पावर एक्स लॉग ऑफ 3 टू द बेस ई, डीडीएक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स,
कोसेक स्क्वायर्ड मीन्स। इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का कुछ सम्स प्रैक्टिस करके दिखाएंगे सो दैट ओवरऑल एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशेंट रूल समझ में आ जाए। सो लेट्स से वी हैव ddx ऑफ sin x स्क्वायर प्लस 5। तो जैसा हम चेन रूल पे समझाए थे सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि जो मेन फंक्शन है वो क्या है, दैट इज sin ऑफ समथिंग। हमारे पास यूजुअली x होता है, जब x होता है तो ddx ऑफ sin x इक्वल टू cos x होता है, उसका डायरेक्ट आंसर। बट यहां पे वी हैव sin ऑफ समथिंग एल्स, sin ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले बिकॉज ddx ऑफ sin x इक्वल टू cos x हम लिखेंगे cos, और जो यहां पे ब्रैकेट में है आर्गुमेंट में है उसी को यहां पे लिख देंगे, दैट इज cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। फिर उसके बाद बिकॉज यहां पे x नहीं है और x के जगह देयर इज सम अदर फंक्शन ऑफ x, दैट इज x स्क्वायर प्लस 5। तो इस x स्क्वायर प्लस 5 का भी वापस डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी हैव cos x स्क्वायर प्लस 5 इनटू ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। नाउ ddx ऑफ x स्क्वायर होता है 2x, तो वो हो जाएगा 2x प्लस ddx ऑफ 5। ddx ऑफ 5 मतलब ddx ऑफ कांस्टेंट, दैट इज 0। सो 2x प्लस 0 दैट इज 2x ओनली। So we have 2x cos x square plus 5. The answer is 2x cos x square plus 5. This is a simple application of chain rule. Let's say we have ddx of sec of tan root x. Sec of tan of root x. So सबसे पहले हम लोग को एकदम बाहर भी जो function है, from outside to inside we will go. तो एकदम बाहर जो function है that is sec. ddx of sec x होता है sec x tan x. तो यहाँ पे there is sec of something, अगर sec x होता तो sec x tan x हो जाता, sec of something x के जगह पे कुछ और है that is tan of root x, तो ये हो जाएगा sec of tan root x into tan of tan root x, sec of tan root x into tan of tan root x, ddx of sec x होता है sec x tan x, तो ddx of sec of something sec of that thing into tan of that thing into Now because x के जगह यहां पे x नहीं है, x के जगह कुछ और है, तो x के जगह क्या है tan of root x। तो अब हम outward function के हिसाब से differentiate करके अब inside आ गए, तो हम क्या देखते हैं कि x के जगह पे क्या है tan of root x, तो again ये differentiate होगा, that is ddx of tan of root x, ddx of tan of root x, तो ये हो जाएगा sec of tan root x into tan of tan root x into ddx of tan root x. Now ddx of tan root x में अगेन हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, ddx of tan x होता है sec squared x, तो ddx of tan of root x होगा sec squared root x, अगेन क्योंकि x के जगह पे यहां पे x नहीं है, x के जगह पे कुछ और है a function of x that is root x, तो अगेन उस root x का differentiation होगा with respect to x, तो dot ddx of root x. So we have sec of tan root x into tan of tan root x into sec squared root x into ddx of root x, ddx of root x means ddx of x to the power half, ddx of root x को यहां हम अलग से करके दिखा देते हैं, that is ddx of x to the power half, इसमें कौन सा formula apply होगा, ddx of x to the power n का formula, that is n x to the power n minus 1, so we have half x to the power half minus 1, that means half x to the power minus half, that means half into 1 by x to the power half, x to the power minus half is 1 by x to the power half, and x to the power half is nothing but root x, so 1 by 2 root x, ddx of root x hota hai 1 by 2 root x, so yahan pe we will put that readily 1 by 2 root x, this is the entire answer. Let's see one application of quotient rule now. Sine of ax plus b divided by cos of cx plus d. Sine of ax plus b divided by cos of cx plus d. Iska hum log differentiation karenge. ddx of this. ddx of this function. ddx of this function. Sine of ax plus b by cos of cx plus d. So obviously isko hum consider karenge u. Isko consider karenge v. And this is u by v form, so we will apply quotient rule. Quotient rule जब apply करेंगे, तो हम लोग का formula जो है quotient rule का, that is the function in the denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator by denominator square. That is
v ddx of u minus u ddx of v divided by v square. V into ddx of u minus u into ddx of v divided by v square. Let's apply this formula. तो ये हो जाएगा cos of cx plus d, cos of cx plus d into ddx of sin ax plus b, cos of cx plus d into ddx of sin ax plus b minus sin ax plus b, minus sin ax plus b into ddx of cos of cx plus d whole divided by cos of cx plus d का square, that is cos square cx plus d. Now here we will see कि अंदर में भी हम लोग को चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंड हियर वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी. सो यहां पे होगा कॉस सी एक्स प्लस डी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी? डीडीएक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, सो डीडीएक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी विल बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू, बिकॉज यहां पे x नहीं है, x के जगह देयर इज समथिंग एल्स, तो उसका भी अब डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज ddx ऑफ ax प्लस b. नाउ व्हाट इज ddx ऑफ ax प्लस b? ddx ऑफ ax इज a प्लस ddx ऑफ b इज 0. सो वी हैव a माइनस, अगेन इस तरह से होगा sin ऑफ ax प्लस b ddx ऑफ cos ऑफ cx प्लस d, बिकॉज वी हैव ddx ऑफ cos x इक्वल टू माइनस sin x, सो ddx ऑफ cos ऑफ cx प्लस d विल बी माइनस sin cx प्लस d. तो यहां पे एक माइनस साइन सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई होगा, एंड दैट माइनस विल कपल विद दिस टू फॉर्म प्लस, एंड यहां पे हम लिख सकते हैं साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डीडीएक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी. नाउ बिकॉज जैसे कि हम समझाए थे चेन रूल में हम बाहर से पूरा अंदर तक जाते हैं, एंड वॉट एवर वी गेट वी डिफ्रेंशिएट, तो डीडीएक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी अब हमको करना है, बिकॉज यहां पे x अगर होता तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता, बट x के जगह देयर इज सम अदर एक्सप्रेशन, that is cx plus d. So ddx of cx plus d क्या होगा? ddx of cx is c and ddx of d, d is a constant, so ddx of d is 0. So वहां पे सिर्फ c होगा, divided by cos square cx plus d. So this is the answer. This is one example of quotient rule. Now let's take one example of product rule. ddx of cos of x cube into sin square x to the power 5. ddx of cos of x cube into sin square x to the power 5. यहां पे this function will be taken as v, the first u, sorry. This function will be taken as u, the first function. This function will be taken as v, the second function, u into v. So we will put uv rule, we will apply uv rule, that is the product rule. Now product rule क्या था? ddx of uv, ddx of uv होता है u into ddx of v plus v into ddx of u. So here we will apply this formula. तो हमको क्या मिलेगा? cos of x cube into ddx of sin square x to the power 5. cos of x cube into ddx of sin square x to the power 5 plus sin square x to the power 5 sin square x to the power 5 into ddx of cos of x cube. Now, again यहां पे हमको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ddx ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स, तो ddx ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको x स्क्वेयर के हिसाब से समझना पड़ेगा. यूजुअली हम लोग के पास क्या रहता है? ddx ऑफ x स्क्वेयर, ddx ऑफ x स्क्वेयर, उसमें हम x ddx ऑफ x टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करके वी गेट 2x. तो यहां पे भी ddx ऑफ, ये है sin x का स्क्वायर, x का स्क्वायर होने से 2x, तो sin x का स्क्वायर है यहां पे, उसका डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो यहां पे होगा 2 into sin x. बट अगेन यहां पे क्योंकि x का स्क्वायर के जगह sin x का स्क्वायर है, सो sin x हैज टू बी डिफरेंशिएटेड ऑल्सो. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल. तो वी हैव 2 sin x cos x. उसी तरीके से यहां पे वी हैव 2 sin x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5. Now, because यहां पे the argument inside the trigonometric function is not x, it is x to the power 5, so that needs to be differentiated again with respect to x.
और यहां पे साइन स्क्वेयर एक्स टू द पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ समथिंग, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, सो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू अगेन डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. सो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5. नाउ डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 इज 5 एक्स टू द पावर 4, तो यहां पे हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4, दैट 5 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गिव 10 प्लस. यहां पे वी हैव डी डी एक्स ऑफ कॉस इज माइनस साइन, सो यहां पे प्लस माइनस गेट्स मल्टीप्लाई टू गिव माइनस साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वेयर एक्स टू द पावर 5 एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3 एक्स स्क्वेयर. तो यहां पे वी कैन पुट द 3 इन द बिगिनिंग एट द फ्रंट एंड एक्स स्क्वेयर. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से वी हैव डी डी एक्स ऑफ 2 रूट ओवर कॉट ऑफ एक्स स्क्वेयर. नाउ अगर कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड रहता है विद अ फंक्शन दैट कॉन्स्टेंट विल कम आउट. सो वी हैव 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर कॉट ऑफ एक्स स्क्वेयर. जैसा कि मैंने करके दिखाया डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1 बाई 2 रूट एक्स. वी विल रेडिली यूज दिस फॉर्म. तो डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ समथिंग विल बी 1 बाय 2 इंटू रूट ऑफ दैट. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय 2 रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वेयर. नाउ बिकॉज यहां पे डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स नहीं था, यहां पे डी डी एक्स ऑफ रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वेयर है, मतलब एक्स के जगह we have cot of x square, so that needs to be differentiated separately again. Now this 2 gets cancelled, we have 1 by root over cot of x square, ddx of cot x, ddx of cot x is minus cosec squared x, so minus cosec squared, the argument is x square. एंड देन अगेन डीडीएक्स ऑफ कॉट एक्स के जगह डीडीएक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वेयर है, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वेयर ऑल्सो. तो यहां पे हम लोग को मिलेगा 1 बाय रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वेयर, वी कैन पुट द माइनस साइन एट द बिगिनिंग, इंटू कोसेक स्क्वेयर ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू 2x. इस वीडियो में हम सिखाएंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. सपोज हमारे पास एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स. हाउ डू वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स. नाउ बिकॉज पावर में भी एक्स है, दैट मीन्स देर इज नॉट अ कॉन्स्टेंट इन द एक्सपोनेंट इन द पावर, बट देर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज एक्स इटसेल्फ. तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला यूज करके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो टेकिंग log on both sides, taking log on both sides, and we when we are taking log on both sides, then by default hum yahan pe assume karenge that we are taking log to the base e. So taking log on both sides, we have log y is equal to log of x to the power x. That means log y, now log of a to the power b mein, if there is log of a to the power b, तो वो b सामने आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है. The exponent gets multiplied at the front. So ये हो जाएगा x log x. The power of the exponent comes out in the front. तो ये हो जाएगा x log x. Now we will differentiate on both sides. So now when we differentiate on both sides, we have ddx of log y is equal to ddx of x log x. Now continuing from this step, ddx of log y. So log x ka differentiation hota hai 1 by x. So log y ka differentiation hoga 1 by y. But since we are differentiating log y with respect to x, so we also have to differentiate y with respect to x. This is chain rule, application of chain rule. Here we have
dx of x log x, तो यहाँ पे product rule लगाना पड़ेगा. Let's take this as u and this as v. So we have u into ddx of v, that is x into ddx of log x plus log x into ddx of x. So 1 by y into dy by dx is equal to x into 1 by x plus log x into ddx of x is 1, ddx of log x 1 by x, हम put कर दिए, xx gets cancelled. So we can say that dy by dx, अब ये y को cross multiply कर देंगे, and यहाँ पे we have 1 plus log x, and अब y को substitute कर देंगे, y equal to x to the power x, so x to the power x into 1 plus log x. यहाँ पे हमको एक question दिया हुआ है, x is equal to a into theta minus sin theta. X is equal to a into theta minus sin theta. Y equal to a into 1 plus cos theta. And उसके बाद हमको बोला जाएगा कि dy by dx find करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? dy by d theta find करेंगे और dx by d theta find करेंगे और उन दोनों को divide कर देंगे. तो dy by d theta अगर find करेंगे, dy by d theta मतलब कि dd theta of a into 1 plus cos theta. dd theta of a into 1 plus cos theta. तो a बाहर निकलेगा एंड dd theta of 1 plus cos theta. dd theta of 1 plus cos theta मतलब कि dd theta of 1 मतलब 0, dd theta of cos theta मतलब minus sin theta. तो a into minus sin theta. That is equal to minus a sin theta. उसके बाद next dx d theta निकालेंगे. तो dx d theta अगर निकालेंगे तो फिर उसका क्या होगा? उसमें होगा dd theta of a into theta minus sin theta. dd theta of a into theta minus sin theta. A बाहर निकल जाएगा अगेन एंड वी हैव dd theta of theta minus sin theta. नाउ dd theta of theta will be 1 minus dd theta of sin theta will be cos theta. तो a into 1 minus cos theta. तो हम लोग क्या करेंगे dy by dx निकालने के लिए? dy by dx निकालने के लिए dy by d theta को dx by d theta से डिवाइड कर देंगे. ये हम कर सकते हैं, dy by d theta को dx by d theta से divide कर देंगे. So we have minus a sin theta divided by a into 1 minus cos theta. A gets cancelled out. Minus sin theta divided by 1 minus cos theta, या उस minus को नीचे transfer कर देंगे तो हो जाएगा sin theta divided by cos theta minus 1.